केम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। लेट अ लाइन एल, एक लाइन हमको दी गई है एल, पासिंग थ्रू द पॉइंट पी 2, 3 एंड 1। यानी कि ये जो एल लाइन है वो इस पॉइंट में से क्या हो रही है, पास हो रही। एंड बी अ पैरेलल टू लाइन, यानी कि ये जो लाइन है वो किससे पैरेलल होती है, x+3y-2z-2 = 0 एंड x-1+2z = 0 से क्या होती है, पैरेलल होती है। इफ द डिस्टेंस ऑफ एल फ्रॉम द पॉइंट 5, 3 एंड 8 इज अल्फा, यानी कि इस एल पॉइंट का, इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस किससे डिनोट किया है उन्होंने, अल्फा से। तो अल्फा की वैल्यू यानी कि एल से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, देन हमको उस अल्फा की वैल्यू को यहाँ पे 3α² में पुट करना है। चलिए देखते हैं, हाँ यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमको डिटेल दी हुई है कि एक लाइन दी हुई है एल जिस पे पास हो रही है 2, 3, 1 से। तो उस लाइन का इक्वेशन हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले हमको उस लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए। लाइन के पॉइंट्स हमको दिए गए हैं, लेकिन इस लाइन का क्या नहीं दिया हुआ है, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमको नहीं दिया हुआ है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमको दूसरी डिटेल दी हुई है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है इन दो लाइन से। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इन दो लाइन के इक्वेशन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वही डायरेक्शन रेशियो किसका होगा, इस लाइन का होगा, क्योंकि सब क्या है, पैरेलल है। तो इन दोनों को यूज करके हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है एनवर वेक्टर इनटू n2 वेक्टर इज इक्वल टू n1 एंड n2 का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हम करते हैं तो हमको पता है कि डिटरमिनेंट i कैप, j कैप, k कैप, सेकंड में क्या पॉइंट्स आएंगे। तो ये लाइन के इक्वेशन, x का कोऑर्डिनेट 1, 3, z का -2, उसी तरह से 1, -1 एंड 2। चलिए इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। i कैप 3 × 2 = 6 -1 - 2 यानी कि 2, माइनस जे कैप 1 × 2 = 2, माइनस माइनस हो जाएगा +1 × 2, प्लस के कैप -1 × 1 - 1 -1 × 3। तो ये हो गया पॉइंट हमारा 4i कैप -4j कैप -4k कैप। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो हो गया 4 -4 एंड 4। सब में से 4 ले लेते हैं कॉमन, कोई इजी रहेगा, क्योंकि 4 लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो तो सेम ही रहेगा। तो 1 -1 एंड -1, तो हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया 1 -1 एंड -1। अभी ये लाइन, ये जो लाइन है एल वो किस पॉइंट में से पास हो रही है, 2, 3, 1। तो इसके ऊपर से हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। पॉइंट हमको पता है, डायरेक्शन रेशियो पता है, तो फॉर्मूला क्या है, x-x1/a1, x1 की जगह पे है 2 अपॉन डायरेक्शन रेशियो 1। उसी तरह से y-y1, y1 की जगह पे है 3 अपॉन डायरेक्शन रेशियो ऑफ y-1। उसी तरह से z-z1 यानी कि 1 अपॉन उसका डायरेक्शन रेशियो भी है माइनस। तो ये मिल गई हमको इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर से हम x, y एंड z कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं, तो वो पॉइंट किसके हो जाएंगे,
एल के, तो इसको सपोज कर लेते हैं हम के, तो इसके ऊपर से हम अकॉर्डिंग टू के पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स माइनस टू अपॉन वन इज इक्वल टू के, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के प्लस उसी तरह से y माइनस थ्री अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू के, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो y इज इक्वल टू माइनस के प्लस थ्री। उसी तरह से z माइनस वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू के, देयरफॉर z इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के प्लस वन। तो ये तीन पॉइंट्स हमको मिल गए, लेकिन हमको फाइंड आउट करना है क्या, हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड, वो तो हमने कर ली, लेकिन यहाँ पे जो के आया वो क्या होगा। अभी उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अभी ये पॉइंट हमको मिल गए, लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ पे अब आते हैं क्वेश्चन में आके, इफ द डिस्टेंस ऑफ एल फ्रॉम द पॉइंट इज क्या है 5, 3 एंड 8, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एल का हमको इस पॉइंट के अकॉर्डिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इस पॉइंट को किसमें माइनस करना पड़ेगा, इसमें से क्या करना पड़ेगा माइनस, तभी हमको इसके बीच का जो लाइन है इसको हम नाम दे देते हैं ए एंड इसको एल, तो ए एल लाइन हमको मिल जाएगी। चलिए तो सबसे पहले एक्स एक्स वाई एंड जेड सब में से माइनस होगा 5, 3 एंड 8, के प्लस टू माइनस फाइव माइनस के प्लस थ्री माइनस थ्री माइनस के प्लस वन माइनस एट। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, के माइनस थ्री ये हो जाएगा माइनस के, प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस के माइनस सेवन। तो ये पॉइंट हमको मिल गया एक्स वाई एंड जेड का। अब के की वैल्यू अब तो बची है अभी भी, तो के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो पता है 1 -1 -1, पॉइंट्स पता है, तो हमको पता है कि डायरेक्शन रेशियो एंड पॉइंट्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 0। तो 1 × दिस पॉइंट के माइनस थ्री प्लस -1 × माइनस के प्लस -1 × -k -7 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, के माइनस थ्री माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के, यहाँ पे भी माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा, प्लस के प्लस 7 इज इक्वल टू 0। के प्लस के क्या हो जाएगा 3k, माइनस थ्री प्लस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 चला जाएगा सामने, तो 3k इज इक्वल टू -4, देयरफॉर के इज इक्वल टू मिल जाएगा -4/। के की वैल्यू मिल गई हमको, तो हमको यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा के माइनस थ्री माइनस के एंड के माइनस के माइनस थ्री। चलिए के की जगह पे पुट कर देते हैं उसकी वैल्यूज, के की जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स वाई एंड जेड, के की जगह पे के माइनस थ्री यानी कि -4/3 माइनस थ्री, माइनस माइनस हो जाएगा +4/3 एंड माइनस माइनस अगेन 4/3 -7। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 9, -4 -9 यानी कि -13/3। आगे 4/3 वैसे का वैसा, थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 -21, 3 × 7 21, 21 में से माइनस होगा तो -17/3। तो ये एक्स वाई जेड के पॉइंट्स हमको मिल गए, एक्स वाई जेड तीनों के पॉइंट्स हमको मिल गए -13/3,
4/3 एंड -17/3। अब ये जो पॉइंट मिला ये क्या मिला हमको, अभी हमको ये पॉइंट हमने पहले ऑलरेडी माइनस किया था, तो ये पॉइंट जो मिला वो क्या मिला हमको, अल्फा। तो हमको अब फाइंड आउट करना है अल्फा का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो है वो अल्फा क्या होता है, सभी का सम, तो अल्फा स्क्वायर लेके उसका कर लेते हैं हम सम। 13/3, 13 का स्क्वायर होगा 169/9, प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16/3 का स्क्वायर 9, अगेन 17 का स्क्वायर होगा 289/9, एलसीएम हो जाएगा 9, ऊपर का सम हो जाएगा 474। इसको मल्टीप्लाई करना है हमको किससे, 3 से, तो मिलेगा 3 अल्फा स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से 9 कैंसिल, 3 से यहाँ पे हो जाएगा 158, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 158/3 अल्फा स्क्वायर का, यानी कि ये मिल गया हमको 158 जो हमको पूछा गया था। तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये डिटेल दी हुई है कि एल हमको दिए पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये है पैरेलल दो लाइन दी हुई है, तो उसके ऊपर से हमने डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लिया। उसके बाद प्रिपेयर किया इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया हमको ये एक्स वाई जेड फाइंड किया हमने। उसके बाद एक्स वाई जेड में क्या किया, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के लिए इसमें से पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तब हमको मिलेगा अल्फा एक्स वाई जेड। तो वो करके हमने डायरेक्शन रेशियो से मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एंड उसके बाद हमने 3 अल्फा स्क्वायर फाइंड कर दिया जो मिल गया हमको 158।